हमने एरेज डिस्कस किए थे ना, दोनों किए थे, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल एरे में कौन सा प्रॉब्लम हमने देखा था? मैट्रिक्स वाला, ठीक है। अभी उसमें कुछ और एक प्रॉब्लम देखेंगे जो मिड सेमेस्टर टेस्ट में दिया था, वो था इमेज एनालिसिस का। वो आप लोगों ने देखा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। उस बेसिस पे एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, वो प्रॉब्लम हम आप आज देखेंगे कैसा करना है। ये प्रॉब्लम पहले पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। प्रॉब्लम क्या लिखा है? सैटेलाइट डिजिटल इमेज शोज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी ऊपर सैटेलाइट से फोटो लिया है जमीन का, और वो जिस हिस्से का फोटो लिया है वो काफ़ी बड़ा लैंड मास है। उसके बीचों बीच एक तालाब है विच कंटेन्स ए लेक फिल्ड विथ वाटर। मान लीजिए ये एक बड़ा एरिया है, इमेज आएगा फोटो तो रेक्टेंगुलर आता है, और हर फोटोग्राफ पे पॉइंट में उसके कुछ तो भी इंटेंसिटी कैलकुलेट कैप्चर हो जाएगी कैमरा में। इसके बीचों बीच कहीं तो भी एक लेक है, मान लीजिए इस टाइप का कुछ लेक। अब इस लेक का एरिया आपको एस्टिमेट करना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। सैटेलाइट से एक इमेज आई, वो इमेज आपको धरती पे आ गई। अब आपने उसकी फोटोग्राफिक कॉपी बना ली तो आप देख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लेक है, उसका एरिया कैसे आप कैलकुलेट करो। चलिए मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करना है, खाली ये एरिया निकालना है लेक का फोटोग्राफ देख के। तो आपका बड़ा सा फोटोग्राफ दे दिया है और उसमें आपको लेक अलग से नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी है तो पानी का रंग जो है बिल्कुल ज़्यादा ब्राइट होगा बाकी आजू बाजू के जगह से। आजू बाजू जगह में पेड़ होंगे, पत्थर होंगे, कुछ होंगे, उसका लाइट का रिफ्लेक्शन अलग फ्रिक्वेंसी पे होगा। जो पानी होगा वो पानी पूरा का पूरा व्हाइट रिफ्लेक्शन होगा। तो ये प्रॉब्लम को कंपेयर कीजिए जो मिड सेमेस्टर में दिया था, उस प्रॉब्लम में भी ऐसे ही लिखा था कि व्हाइट पैच है कहीं तो भी एक पिक्चर में, तो व्हाइट पैच कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। उसी का दूसरा रूप है ये कि ये व्हाइट पैच है आपको एक फोटोग्राफ में, उसका एरिया एस्टिमेट करें, कितना एरिया है, तो कैसे करेंगे सोचिए। पहले आप बताइए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्यूटर वगैरह नहीं है मान लीजिए, खाली सैटेलाइट से फोटोग्राफ लिया और आपको दे दिया। अभी सैटेलाइट नहीं थे उस जमाने में, जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे उस समय हवाई जहाज से फोटोग्राफ लेते थे। फोटो तो ले लिया आपने, वो फोटो छाप के आ गया आपके पास। अब आपको उसमें बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि यह फोटो है और इसमें इतना लेक है, इसमें पानी दिख रहा है। आपको एस्टिमेट करना है ये एरिया कितना है लेक का। रियल लाइफ प्रॉब्लम सोचिए, क्यों हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, व्हाई डू वी वांट टू एस्टिमेट। वो इसलिए कि लेक में कहीं फिजिकली आप जाके इसकी एवरेज गहराई तो आप नाप सकते हैं,
यहाँ 2 फुट गहरा है, यहाँ 3 फिट गहरा है, बीच में 50 फिट गहरा है, तो आप उसके एवरेज गहराई आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपको एरिया पता चल गया तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि उतने पानी से कितने गाँव को पानी दिया जा सकता है, कितने खेती को पानी दिया जा सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई किसी भी देश या प्रांत के लिए कि कितना वाटर बॉडी है अपने पास। तो अब आजकल क्या है, सैटेलाइट ऊपर जाते हैं 30,000 किलोमीटर ऊपर, ऊपर से फोटोग्राफ खींचते हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे खींचते हैं, खाली विजिबल लाइट पे नहीं, इंफ्रारेड इसमें खींचते हैं फोटो, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी। लेकिन ऐसा अगर फोटो है और आपको एक प्रोग्राम लिख के ये पता करना है, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द एरिया ऑफ दिस वाटर बॉडी, सो हाउ विल यू डू इट, फर्स्ट टेल मी द प्रोसेस। इसमें आपको क्या अजम्पशन करने पड़ेंगे, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बोलिए। ये अभी तक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में आप सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे आप। एरिथमेटिक कहीं ना कहीं तो करना है, लेकिन क्या, किससे किसको गुणाकार करना, जोड़ना घटाना क्या करना, कुछ पता नहीं। तो आप बताएं, फोटो है आपके पास, अच्छा चलिए मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम दे, यू हैव बीन गिवन वन रेक्टेंगल ऑफ द साइज 8 मीटर्स बाय 12 मीटर्स, सो दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। इनसाइड दिस देर इज ए ट्रायंगुलर एरिया This triangle is a right angle triangle and it has a height h and a side s. You have to find out what is the proportion of the triangular area to the total rectangular. So find proportion, that is ratio of triangular area to total rectangular area. ये सवाल तो समझ में आ रहा है, रेक्टेंगल दिया है, उसके डायमेंशन दिए हैं, उसके बीच में ट्रायंगल है, उसके डायमेंशन दिए हैं। अभी नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर एरिया टू रेक्टेंगल। इसको तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं इजीली, कैसा लिखेंगे, इनपुट क्या क्या दिया है, एल और डब्ल्यू दिया है। ये 12 मीटर्स मैंने लिख दिया है आर्बिट्ररी साइज, 12 की जगह 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जनरल प्रोग्राम लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप ये पहले अनाउंस कर देंगे फ्लोट W, L, H एंड S, और रेक्टेंगुलर एरिया को लिख देंगे R, ट्रायंगुलर एरिया को लिख देंगे T, और इसका जो प्रोपोर्शन निकालना है उसको बोल देंगे प्रॉप और प्रोपोर्शन। ठीक है, इतने सारे वेरिएबल हो गए आपके, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ट्रायंगल की हाइट और ट्रायंगल का एक साइड, और ट्रायंगल का एरिया टी और रेक्टेंगल का एरिया आर, और इनका रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आपको प्रोग्राम से सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, लिखाइए प्रोग्राम मुझे, सीधा है इसमें, बोलिए क्या लिखूंगा मैं प्रोग्राम। पहले तो इनपुट वैल्यूज पढ़ूंगा, तो इनपुट वैल्यूज पढ़ने के पहले मैं उसको सी आउट करके क्या लिखूंगा, गिव डायमेंशंस W, L, H एंड S, ये एक स्टेटमेंट हो गया,
ये सब डायमेंशन की वैल्यू दे दो आप, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट होगा, इनपुट स्टेटमेंट लिखाइए, क्या लिखूंगा मैं, सी इन ग्रेटर ग्रेटर डब्ल्यू ग्रेटर ग्रेटर एल ग्रेटर ग्रेटर एच ग्रेटर ग्रेटर एस, आ गया मेरा इनपुट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, दो एरियाज कैलकुलेट करने हैं, तो एक आर है, आर की वैल्यू क्या होगी बताइए, डब्ल्यू इंटू एल, चलिए। दूसरा एरिया क्या कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितना होगा एरिया, टी इज इक्वल टू ठीक है क्या, ठीक है, बिल्कुल गलत लिखा, सी प्लस प्लस कंपाइलर 300 गालियां देगा इसके लिए मुझे। पहले ये बताइए 1/2 टाइप कैसे करूंगा मैं, ये चीजें आपको इमीडिएटली चिल्ला देना चाहिए, फाउल फाउल फाउल। तो इसको लिखेंगे या तो आप 0.5 लिखें या 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0 लिखें, लेकिन ये ज्यादा सही है। फिर स्टार लिखें, फिर एच लिखें, फिर स्टार लिखें, फिर एस लिखें, ये सही हो जाएगा। ये देखिए क्या हो रहा है, अभी भी आपके दिमाग में मैथमेटिकल फॉर्मूला जम के बैठा हुआ है, यू स्टिल थिंक मैथमेटिकली, यू डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम। सो व्हेन आई रोट हाफ एच एस एवरीबडी वॉज हैप्पी बिकॉज दैट इज द वे यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, बट दैट इज नॉट द वे यू राइट प्रोग्राम्स। इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम देयर इज अ वैल्यू फॉर एच, वैल्यू फॉर एस एंड अ कॉन्स्टेंट हाफ, यू कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड राइट एन एक्सप्रेशन। अभी ठीक हो जाएगा, चलिए अभी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो लिखा है प्रपोर्शन, बोलिए प्रपोर्शन इज इक्वल टू, बिकॉज द क्वेश्चन सेज रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर एरिया टू रेक्टेंगुलर एरिया, अगर रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया टू ट्रायंगुलर एरिया होता तो आर बाय टी। और अभी यहां पे आप आउटपुट स्टेटमेंट लिख देंगे जो भी है आ जाएगा। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरा सोचिए, प्लीज थिंक दिस प्रॉब्लम यू कुड सॉल्व, व्हाई, बिकॉज यू कुड ट्रांसलेट इट इजीली इनटू नोन मैथमेटिक्स, विड्थ इज गिवन, लेंथ इज गिवन, एरिया इज विड्थ, हाइट इज गिवन, साइड इज गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नोन, that too it is rectangular, ratio is this upon this, so immediately aapke man mein ek model ban gaya mathematics ka ki bhai isko is tarah se solve kar de, yahan pe kya dikkat aa rahi, sorry ha zor se bole, dimension nahi pata hai, to sabse pehle assumption karna padega kuch dimension ke bare mein, to isliye maan lijiye ye jo area hai iski bhi ek height hai aur width hai, तो इसको यहां लिख देते हैं W, यहां लिख देते हैं हाइट, चलिए W इंटू एच हो गया। अब ये पता नहीं कि W किलोमीटर में है, मीटर में है, या इंच में है, या सेंटीमीटर में, ये पता नहीं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद और क्या दिक्कत आएगी, सो W और H अगर डायमेंशन पता हुए तो आप वो रिक्टेंगुलर एरिया तो निकाल सकते, अभी आपको निकालना है एस्टिमेट द एरिया ऑफ द लेक। अब लेक का एरिया कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा और अपने जो जाना हुआ प्रॉब्लम है उसको एक अलग तरीके से देख लें। यहां पे हमने ये प्रोग्राम तो लिख दिया था, लेकिन अब हम बोलते हैं कि भाई ये जो है एरिया जो है ये ऐसे कुछ दे, अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पॉलीगॉन है इसलिए कर सकते हो, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं, ये भी एरिया है। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप,
हाँ बोलो, सॉरी, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, ओके। यानी ऐसा समझ लेंगे, रियल लाइफ में कैसे करते हैं आप, प्लेन पेपर पे ड्राइंग बना के बजाय ग्राफ पेपर में लिख देते, यही का यही ड्राइंग। अगर ग्राफ पेपर में होता तो ग्राफ पेपर में हर जो छोटा सा स्क्वायर है उसका कोई तो भी डायमेंशन है। अब वो ग्राफ पेपर पे कितने छोटे छोटे स्क्वायर इस छोटे एरिया के अंदर आते हैं और कितने उसके बाहर आते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से ग्राफ खींचना शुरू कर दिया इस तरीके से, ऐसे करते गए आप, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आप आए, इसी तरह से यहाँ पे ऊपर आपने किया, इस तरह से आप ग्राफ अगर बना लें तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये इसके अंदर है, 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 ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर, यानी कितने स्क्वायर इसके अंदर है ये तो आप गिन सकते हो। अब कुछ जो स्क्वायर्स है वो पूरी तरह से इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि जो एरिया है, मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर का रिजोल्यूशन जो है वो एक स्क्वायर का रिजोल्यूशन इतना बड़ा है कि कहीं तो भी ये ऐसे जा रहा है तिरछा। अगर आपको फिर भी एस्टिमेट करना है तो यू कैन अप्लाई सम इंटरपोलेशन, यू कैन से दैट दिस स्क्वायर इज हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, सो यू कैन काउंट हाफ ऑफ इट। देयर इज अनदर वे, अनदर वे इज मेक दिस ग्राफ सो फाइन that you draw additional these things here. So that the resolution of a square, you can definitely say whether it is inside or outside. Then the job will be simpler. You have to count all those things which are inside. And how many counts will be there for the total area? The total number of such points in the graph, which is actually equal to W into L, तो count करके भी आप कर सकते हैं। खाली इसमें दिक्कत यह है कि count करने को आपको कोई ऐसे dimension इस तरीके से direct formula नहीं रहेगा, तो कैसे count करेंगे आप? तो ये जो अलग अलग values हैं, जो पानी है या अंदरूनी area है और बाहर का area है, उसका कुछ तो भी distinction आपको होना चाहिए, और हर जो point है graph में उसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। अब इस सिलसिले में आप इस इमेज को देखें, दिस इज ए डिजिटल इमेज टेकन फ्रॉम द टॉप, व्हाट यू विल गेट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइट, फोटोग्राफ जब देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। अब हमने क्या तय किया है कि पानी भी होगा कहीं, इफ देर इज वाटर इट विल रिफ्लेक्ट एज व्हाइट एंड द अदर एरियाज विल बी डल ब्राउन ब्लैक समथिंग लाइक दैट बट नॉट व्हाइट। अब अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेते हैं तो क्या ये हम नहीं कह सकते कि भाई इस इमेज में बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो सब ब्लैक ब्राउन इस तरीके से होंगे, लेकिन प्योर व्हाइट जो होगा वो खाली लेक का एरिया होगा। अब अगर डिजिटल फोटोग्राफी आप देखें तो उसमें ब्लैक को दिया जाता है वैल्यू 0, व्हाइट को दिया जाता है वैल्यू 255, और बाकी सब जो कलर होते हैं ब्राउन लाइट ग्रे, ये सब की वैल्यूज इंटरमीडिएट रेंज। ये ब्लैक एंड व्हाइट या मोनोक्रोम इमेज की एक खासियत है, व्हेनेवर यू टेक ए मोनोक्रोम इमेज बाय एनी कैमरा यू विल गेट इंडिविजुअल पॉइंट्स विच आर कॉल्ड व्हाट, पिक्सल्स। What is a pixel? Pixel is a picture element. और ये pixel ऐसे होगा, ये एक pixel, ये दूसरा pixel है, तीसरा pixel, चौथा pixel, पांचवा pixel। ये ऐसे, मतलब मान लीजिए किसी ने graph paper खींच दिया है वहां पे आपके लिए और अलग अलग पॉइंट्स कैप्चर हो गए। अब इस पॉइंट की क्या खासियत रहेगी, मान लीजिए यहां पे पूरा काला जमीन है,
ये इस पॉइंट के नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्राउन है, इसकी वैल्यू हो सकती है 85। मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट ब्राउन है, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 127। मतलब जीरो से लेके 100, 125, 150 तक वैल्यूज हो सकती है, लेकिन पूरा वाइट जो है वो खाली है, लेक में रहेगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स की वैल्यू होगी 255, यहाँ होगी 255, यहाँ होगी 255, यहाँ होगी 255, ओके, इस तरीके से वैल्यूज होंगी। यानी अगर आपको डेटा दे दिया गया सब पॉइंट्स का, जितने भी हजारों पॉइंट्स हैं इधर, सब हजार बाय हजार पॉइंट्स का डेटा आपको दे दिया, तो वो डेटा क्या होगा, हर पॉइंट में वैल्यू होगी 0 to 255। अब अगर 255 वैल्यू है तो लेक है, और अगर 255 से कम है तो वो लेक नहीं है, नॉट 255 है तो लेक नहीं है, क्योंकि वो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अलग दूसरा रंग। तो अब अगर इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, इफ यू हैव बीन गिवन ऑल दीज पॉइंट्स इन द डिजिटल इमेज विद द डेटा विच इज द पिक्सेल इंटेंसिटी वैल्यू, दैट इंटेंसिटी वैल्यू इज बिटवीन 0 to 255, कैन यू नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स, एंड कैन यू नॉट काउंट द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन साइड द लेक विच आर 255? अभी नाउ यू आर गेटिंग हाउ टू ट्रांसलेट दिस फिजिक्स प्रॉब्लम और जियोलॉजी प्रॉब्लम और रिमोट सेंसिंग प्रॉब्लम एज वी कॉल इट इन टू ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इन टू ए कंप्यूटर प्रॉब्लम। सो वी विल से दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, नाउ वी विल इमेजिन assumptions. अब यहां पे हम assumptions लिखते हैं। नंबर वन, हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज इज नोन, and we will say h pixels by w pixels. h हो सकता है 1000 हो, w हो सकता है 500 हो, 1000 into 500 कितने हो गए, 500,000 यानी 500,000 पॉइंट हो गए। जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा पॉइंट्स पिक्सेल्स, ओके, 500,000 पिक्सेल का डेटा आपको ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कंप्यूट होके एक कंप्यूटर में आ गया आपके, और वो कंप्यूटर में डेटा अवेलेबल है। किस तरह से डेटा होगा, कुछ अजम्पशन उसके बारे में करेंगे। वी विल अस्यूम दैट ए टेक्स्ट फाइल इज अवेलेबल which contains value of h and w on first line। यानी एक टेक्स्ट फाइल बनाई हमने, इसको हम नाम दे देते हैं image.txt, ये टेक्स्ट फाइल बन गई। जैसे हम टर्मिनल पे लाइन टाइप करते हैं ना, डेटा टाइप करते हैं, तो टर्मिनल पे किस तरह से हम टाइप करेंगे, हम एक नंबर देंगे स्पेस देंगे, दूसरा नंबर देंगे स्पेस देंगे, तीसरा नंबर देंगे, तो इसमें हम ऐसा अस्यूम कर रहे हैं कि उसी तरह से एक फाइल बना ली है, और उस फाइल में हमने ये वैल्यूज रखी है, सबसे पहले हाइट एंड वेट। तो हाइट मान लीजिए लिख दी किसी ने 1250, और विड्थ एक ब्लैंक छोड़ के लिख दिया किसी ने मान लीजिए 800, और फिर यहाँ पे एंटर दबा दिया। ये लाइन बिल्कुल वैसी हो गई जैसे इनपुट आप लेते हैं हाइट और विड्थ का, ये एक हाइट हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, ये इनपुट हो जाएगा। इसके बाद में एक्चुअल वैल्यूज जो हैं
अब किसी ऑर्डर में दी जाएंगी वैल्यूज, तो नेचुरल ऑर्डर क्या है, नेचुरल ऑर्डर रो वाइज पिक्सल की वैल्यू लिखते जाए। तो इसके बाद में दूसरा अजम्पशन ये है कि टेक्स्ट फाइल इज अवेलेबल विच कंटेन्स ए वैल्यूज ऑफ एच एंड डब्ल्यू ऑन फर्स्ट लाइन एंड बी वैल्यूज ऑफ ऑल पिक्सेल्स इन ईच रो वन बाय वन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिक्चर की पिक्सेल की वैल्यू है वो किसी ने यहाँ लिख दिया, जैसे जीरो है 85 है तो यहाँ पे रहेगा जीरो एक ब्लैंक 85 एक ब्लैंक 100 एक ब्लैंक 127 एक ब्लैंक 78 एक ब्लैंक। इस तरह से ऐसी वैल्यू छपता गया, वो एंटर नहीं दबाया कहीं भी, एक ही रो में जितनी भी वैल्यूज है उतनी उसने लिख दी, मतलब आपने जी एडिट करके एडिट कर दिया मान लो। तो इस तरह से मान लीजिए ये जो आखिरी वैल्यू है, ये आखिरी की दो वैल्यू मैं आर्बिट्ररीली लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लीजिए 67 है और आखिरी वाली वैल्यू जो 105 है। तो इस तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो एक लाइन दो लाइन जितनी भी लाइन लगेंगी कहीं तो भी यहाँ पे आपको 67 ब्लैंक 105, ठीक है, सबकी सब वैल्यू लिख दी। कितनी वैल्यू आएंगी फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में लाइन में नहीं, फर्स्ट रो में कितनी वैल्यू आएंगी, जितनी विड्थ है उतनी आएगी, विड्थ कितनी है 800 वैल्यूज आएंगी। अब आप सी इन से सवाल पढ़ते हैं, वैल्यू पढ़ते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सबकी सब एक लाइन में लिखें आप। आप अगर एक वैल्यू टाइप करें जीरो और एंटर दबा दें तो वो अगली वैल्यू मांगेगा, तो आप अगली वैल्यू 85 टाइप करें वो 85 दे, तो ये वैल्यू एक एक लाइन में भी लिखी जा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग लाइन में लिखें आप, कि कैसे भी लिखें, चूंकि यहाँ पे आपने 800 लिख रखा है तो पहली रो की वो कंप्यूटर जानेगा कि 800 वैल्यूज है तो 800 वैल्यूज तो पड़ेगा, उसके बाद में जो वैल्यू होगी वो अपने आप समझ लेगा कि वो दूसरे रो की वैल्यू है क्योंकि रो वाइज हमने दे रखा है। तो मान लीजिए सेकेंड रो जो है ये यहाँ से चलो होती है, मान लीजिए 50 और 60 और 70 ऐसी कुछ वैल्यूज है, तो इसके बाद दूसरी लाइन में होगा 50 फिर एक ब्लैंक 60 ब्लैंक 70 ब्लैंक, एक रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो कितनी रोज होंगी 1250, यानी टोटल डेटा आपका कितना हो गया h इंटू w पिक्सल्स, इतना डेटा हो गया, इसमें सब अलग अलग वैल्यूज हैं। अब आपने जो तरीका यहाँ पे लगाया था वही तरीका यहाँ लगाना है, इतनी सारी पिक्सल की वैल्यूज आ गई, आप कहाँ पढ़ेंगे ये वैल्यूज, नेचुरली आप टू डायमेंशनल आरे में पढ़ेंगे, ठीक है, टू डायमेंशनल आरे के हर रो में आप रो की वैल्यूज रखेंगे और दूसरे रो में दूसरे रो की, तीसरे रो में तीसरे रो की, कितने कॉलम होना चाहिए आपकी मैट्रिक्स में, कम से कम 800, कितने रोज होना चाहिए, कम से कम 1250। अब हो सकता है कि आज ये इमेज दिया आपको, कल को आपका जो नया हिंदुस्तान ने सैटेलाइट छोड़ दिया उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो वो आपको 2000x1500 का इमेज दे सकता है, तो आप क्यों ना बड़ा ही साइज डिक्लेयर कर दें एरे का और उसमें ये इमेज लेते जाएं। तो इस तरीके से अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो हम लिखेंगे इंट इमेज 2000x2000, बड़ा साइज बना दिया हमने, इसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एच पढ़ना पड़ेगा, डब्ल्यू पढ़ना पड़ेगा और भी कुछ लगेगा, जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसको इनपुट क्या पढ़ लेना है, किस ऑर्डर में दिया है भैया, पहले एच दिया है फिर डब्ल्यू दिया है, तो एच पढ़ लेंगे फिर W पढ़ लेंगे,
अब हमें h बाय w पिक्सल्स पढ़ना है रो मेजर ऑर्डर में, यानी h इंटू डब्ल्यू वैल्यूज पढ़ना है। कैसा इटरेशन लगाएंगे, लूप से ही कर सकते हैं, हमें एरे में भरना है। तो लूप में पहले तो हम रो वेरिएबल को चेंज करेंगे, 1 to h, इतने h रोज हैं। फिर हर एक रो के वेरिएबल में विड्थ वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें निश्चित है कि हमें कुछ i और j, ये दो बंदे तो लगेंगे इंडेक्स के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन h, i प्लस प्लस, ये आउटर लूप शुरू हो गया। इसके अंदर होएगा फॉर, बोलिए, j इक्वल टू 0, j लेस देन w, j प्लस प्लस, और इसके अंदर होगा हमारा इनपुट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जब भी आएंगे तो i और j की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो हमें आगे से पढ़ना है उसमें। सो सीधा सीधा अगर हम लिख दें सी इन ग्रेटर ग्रेटर इमेज i ठीक है, ये लूप यहाँ खत्म हो गया, ये लूप यहाँ खत्म हो गया। तो यहाँ आने तक हमने w इंटू एच पिक्सल सब पढ़ लिए हैं और उसकी वैल्यू जो है इस तरह की 85, 100, 127 कुछ कुछ आएंगी। इसके बीच में पहली कुछ रोज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें वाइट मिलना शुरू हो जाएगा कहीं तो भी। अब हम देख नहीं रहे हैं, अब हमारे पास खाली वैल्यूज़ हैं, तो देख के हम कुछ नहीं कर सकते, वैल्यूज़ को कंपेयर करके कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है एरिया एस्टिमेट करने के लिए, हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू 255 है, बाकी सब छोड़ देना है। इतना सिंपल हो गया प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं इसको काउंट, और यहाँ पे शुरू में लिख देंगे काउंट इज इक्वल टू 0। अब हमें हर पिक्सल इसमें से एग्जामिन करना, कैसे एग्जामिन करेंगे, वही तरीका, फिर से डबल इटरेशन लगा दें। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि पिक्सेल की वैल्यू क्या है, कौन सा पिक्सेल देख रहे हैं हम यहाँ पर, i कॉमा jth पिक्सेल देख रहे हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, इफ इफ क्या, इफ इमेज i एंड j इक्वल टू इक्वल 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 255, क्या करना है, ठीक है। इसमें ब्रास लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट। वैसे अगर आप प्रोफेशनली प्रोग्राम लिखना चाहें तो यहाँ पे आप इसको ओपनिंग ब्रास कर दें, फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिखें और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये इफ़ का करली ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये फॉर का करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये इस वाले फॉर का करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको काउंट मिल गया, कितना काउंट है। अब छोटा सा काम रह गया है, एरिया एस्टिमेट करो। काउंट तो एक नंबर है, छोटी सी बॉक्स का एरिया हमें मालूम नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। टोटल इमेज का एरिया अगर मालूम होगा तो टोटल बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। टोटल इमेज का एरिया कैसे पता चले, सॉरी, एच इंटू डब्ल्यू, ठीक है, एच एक नंबर है, डब्ल्यू भी एक नंबर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर मीटर है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर है,
स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये कैसे बता आपको? वो तो वही बात हो गई कि वो छोटे इसका एरिया मालूम हो पिक्सेल का, तो आप वो एरिया निकाल दो। छोटे पिक्सेल का एरिया कैसे पता चलेगा? बड़े का एरिया है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉइंट्स, लेकिन बड़े का एरिया कैसे पता चलेगा? एच कोई मीटर में नहीं दिया गया, एच नंबर है, इतने सारे पिक्सेल है आपके पास। यानी कुछ भी करके आपको एरिया उसका एक पिक्सेल का या एच और डब्ल्यू का एरिया के टर्म्स में, लेंथ और विड्थ के टर्म्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में मालूम होना चाहिए। मान लीजिए नहीं बताया आपको किसी ने, फोटो थमा दिया और ये कह दिया कि भाई कहीं अलाहाबाद के आसपास घूम रहे थे, वहाँ पे ऐसा दिखा कोई जमीन, या सह्याद्री में गए पूना के पास, वहाँ पे ये लेक है और वो लेक का ये नाम है, उसका ये फोटो निकाला, कैसे सॉल्व करोगे आप प्रॉब्लम? इसमें कोई कंप्यूटर का कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज नो कनेक्शन विद कंप्यूटर्स, बट दिस इज अ फिजिकल प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन। समबडी टेल्स यू दिस इज द पिक्चर ऑफ ए लेक नियर पूना विच इज ऑफ दिस शेप and this is the picture. Now the picture will automatically have some other things. जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे काला हो सकता है, यहाँ पे सफ़ेद हो सकता है। अब आपके पास तो नंबर है, लेकिन पिक्चर अगर होगा तो पिक्चर में क्या दिखेगा? कहीं तो भी एक छोटा सा घर दिखेगा, कहीं तो भी यहाँ पे मंदिर होगा, कहीं तो भी पेड़ होंगे, कुछ तो होगा जमीन पे जो दिखेगा आपको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग टीम्स भेजनी पड़ेंगी जमीन पे, वहाँ पे लेक के आसपास, और वहाँ पे सर्वेइंग, जानते हैं आप व्हाट इज सर्वेइंग? व्हाट डू? यू बेसिकली फाइंड आउट दैट ए सर्टन पॉइंट ऑन ग्राउंड, ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन अदर पॉइंट। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक फिजिकल पेड़ मिला और यहाँ पे एक फिजिकल घर मिला, और आपने सर्वेइंग के टेक्निक जमीन पे लगा के 10 दिन मेहनत करके ये निकाल दिया कि इनका जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 580 मीटर है। ये तो आप कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग यूज करके या कोई अदर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस यूज करके। इसको बोलते हैं डिटर्मिनिंग द स्केल ऑफ अ मैप। नॉर्मली आपने मैप्स तो पढ़े होंगे, मैप्स में स्केल लिखी रहती है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स, यानी मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो इक्वल टू 2 किलोमीटर्स हो गया। यहाँ पे कोई स्केल वेल नहीं, ऊपर से सैटेलाइट ने इमेज दे दिया आपको, दे दिया, उसकी स्केल आपको फिक्स करना पड़ेगी। फिर वो स्केल फिक्स करके आप निकाल सकते हैं कि भाई ये अगर स्केल है 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इज इक्वल टू सो मेनी मीटर्स और सो मेनी किलोमीटर्स, देन यू कैन कन्वर्ट दिस इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, दिस इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, यू विल नो द मैप, एंड बाय इम्प्लीकेशन यू विल नो द एरिया ऑफ ए पिक्सेल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इतना घोड़ागिरी करना पड़ेगा टू डिटर्मिन दैट, इट इज नॉट ईजी, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट। यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर वॉट पर्पज? You are learning programming to solve real life problems. And real life problems have much more than just writing a program and writing expression. That much more is all of this. So this is called interpretation of a photograph. A satellite image or an aerial image, you have to interpret. You will just get a photograph like this. Now somehow by some other means you have to determine what is the size of a pixel. Fortunately, सैटेलाइट इमेजरी जो होती है वो सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर भेजा है ये हमें ज्ञात रहता है, 30,225 किलोमीटर ऊंचा है, तो जो इमेज का रिजोल्यूशन है कैमरा का उससे यहाँ बैठे बैठे आपको बोल सकते हैं कि एक पिक्सेल जो होगा वो 2 मीटर बाय 2 मीटर का होगा, या 3 मीटर बाय 3 मीटर का होगा, या 1/2 मीटर बाय 1/2 मीटर का होगा। तो ये रिजोल्यूशन आपको सैटेलाइट के कैरेक्टरिस्टिक से पता चल सकता है, लेकिन अगर पता नहीं चला तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेंगे आप, समझ गया? तो कहीं से तो भी आपको पिक्चर की वैल्यू मिल गई, पिक्सेल की वैल्यू मिल गई, एरिया ऑफ पिक्सेल जो भी होगा, 1 मीटर बाय 1 मीटर हो तो 1 स्क्वायर मीटर हो गया एरिया उसका। अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया एक पिक्सेल का, क्योंकि रिजोल्यूशन जो है इमेज का वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है,
एक पिक्सल, यानी इतने ऊपर से फोटो ले रहे ना, 1 मीटर काफी बड़ी जगह होती। आप छोटे कैमरा से यहाँ फोटो लेंगे तो आपको ज्यादा रिजोल्यूशन मिलेगा, लेकिन 30,000 किलोमीटर ऊपर से लेंगे तो कम मिलेगा। 1 मीटर इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिजोल्यूशन, समटाइम्स यू गेट 5 मीटर रिजोल्यूशन, 6 मीटर रिजोल्यूशन, बट सच कैमराज विच आर कॉल्ड वॉट यू कॉल रिमोट सेंसिंग कैमराज, दे आर स्पेशली मेड विथ वेरी हाई रिजोल्यूशन, दे डोंट कवर द एंटायर अर्थ, दे आर पुट इन एन ऑर्बिट सच दैट लेट्स से इंडियन सेटेलाइट विल कवर मोस्ट ऑफ द इंडियन रीजन, यू मे पुट 2, 3, 4 सेटेलाइट्स देयर, बट दैट इज हाउ यू विल गेट डेटा, सो यू विल नो जनरली द एरिया ऑफ ए पिक्सल। वी अश्यूम देयरफॉर 3 we assume that area of each pixel is 1 square meter, it may be 1.5, 2.7, 0.8, whatever depends on the resolution. अब चूंकि आपने काउंट लिख दिया है यहां पर, तो आपको सीधा सीधा एरिया मिल गया, दिस काउंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाटएवर एरिया। मान लीजिए हमारा अजम्पशन जो है 1 स्क्वायर मीटर नहीं है, ये एरिया जो है 1.38 स्क्वायर मीटर, ये कुछ हमने दे दिया किसी ने डेट, तो जो ये टोटल एरिया होगा लेक का वो कितना होगा, सी आउट ठीक है, जितने भी काउंट पिक्सेल आए वो सब व्हाइट है, व्हाइट पिक्सेल यानी दे आर ऑल इनसाइड द लेक, ओके, और वो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो आपको एरिया आ जाए। देखिए कितना बड़ा काम हो गया। अभी इसका प्रैक्टिकल उपयोग सुन लीजिए, बड़े एरिया में आपके खेती लगी है, मान लीजिए महाराष्ट्र में जैसे गन्ना होता है या पंजाब में गेहूँ हो रहा है, वो गेहूँ के फील्ड्स रहते हैं, साल के एक विवक्षित समय पे अगर आप ऊपर से फोटोग्राफ देखेंगे तो हरे हरे दिखेंगे सब गन्ने, वो गेहूं के फील्ड जो है, और बाकी जगह जमीन बंजर होगी, वो उसमें कुछ इतना हरा नहीं होगा। तो इसी तरह आप अलग अलग स्पेक्ट्रम पे अगर आप फोटोग्राफ लें तो यू विल नो व्हाट एवर इज ग्रीन इज व्हीट, व्हाट एवर इज नॉट ग्रीन इज नॉट व्हीट। नाउ यू टेक मल्टीपल फोटोग्राफ्स, काउंट ऑल पिक्सल्स एंड सिटिंग एट वन प्लेस यू कैन एस्टिमेट दैट इन सो मेनी एकर्स ऑफ लैंड इन पंजाब सो मच व्हीट विल बी अवेलेबल, दैट इज हाउ यू एस्टिमेट अगले साल खाना कितना मिलने वाला है, ये ऐसे एस्टिमेट बैठे बैठे कर सकते। एक जमाने में ये एस्टिमेशन ईजी नहीं था, दैट रिक्वायर्स टू टेक्नोलॉजीज, वन सेटेलाइट और एरियल इमेज टेक्नोलॉजी एंड द अदर इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। दिस इज इमेज प्रोसेसिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, द एक्चुअल इमेजेस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये आपको बताया मैंने ये लेक है, लेकिन मान लीजिए आपने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया टू काउंट ऑल व्हाइट पिक्सल्स, ओके, अब सोचिए आपने लेक तो देखे होंगे कहीं, हैव यू ऑल सीन लेक समवेयर और द अदर, इन द विसिनिटी ऑफ लेक डोंट यू फाइंड स्मॉलर वाटर बॉडी समवेयर, लेक के बाजू में एक छोटा सा 2 फिट बाय 2 फिट में पानी जमा है, कहीं 3 फिट बाय 4 फिट में पानी जमा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ कई जगह ऐसा 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 व्हाइट पिक्सेल आ जाए। कहीं पे पानी नहीं है लेकिन आप में से 4 मित्र पिकनिक को गए हैं और उन्होंने सफेद रंग का तंबू लगा दिया, आप यहां बैठ के ताश खेल रहे हैं, ऊपर से सैटेलाइट ने फोटोग्राफ दिया सफेद पानी है, ये तो गड़बड़ है, दैट इज नॉट करेक्ट। So what is the next better thing that you will have to do? You can't count just the total number of pixels. You have to say ke baba agar ye chote chote white patches kahin dikhte hain, I should ignore them because I know from my knowledge of the terrain that that is not part of the lake. Lake is continuous large area.
Now, what kind of image processing you will have to do? You may find out areas of all such individual patches that you get, all such individual patches, and find out which is the largest area. That is lake. All others are to be ignored. How will you find this out? Largest area kya hai? Kaise nikalenge? Now, can you relate to the question which was asked in the exam? There was a bonus question. We said that there are many such patches of irregular shape. Find out which is the largest patch. That time the example given said that you have a digital camera. और वो कैमरा में कुछ तो भी खराबी है तो फोटो लेते टाइम नॉर्मल रंग आने के बजाय कहीं तो भी व्हाइट पैचेस आ गए तो आपको ये निकालना है कि भाई सबसे बड़ा पैच कहाँ से आया है तो देखेंगे कैमरा में क्या खराब है वो प्रॉब्लम लेकिन वो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में सिमिलैरिटी देखिए आपने प्रोसेसिंग की वही है यू हैव एन इमेज यू हैव डिफरेंट एरियाज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एरिया हाउ विल यू डू दैट लार्जेस्ट एरिया एक होगा एक उसका फीचर जो है लार्जेस्ट एरिया का किसी भी एरिया का एक फीचर है कि बाउंड्री जो होगी उसकी वो बाउंड्री में सबसे ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे तभी वो लार्ज होगा ना एरिया बाउंड्री छोटी है तो एरिया कम होगा अब ये बाउंड्री जो है ये बाउंड्री किस तरह से कैरेक्टराइज होती है बताएं ये बाउंड्री ऐसी है अंदर के जो भी पिक्सेल हैं वो यहाँ पे एक पिक्सेल ले लिया मान लिया ये तो वाइट होगा ही पिक्सेल पूरे वाइट है या अलग रंग के हैं एक पिक्सेल आधा वाइट आधा ये नहीं है इसमें क्योंकि इतना महीन हमने कर लिया रिजल्ट लेकिन ये पिक्सेल खाली वाइट नहीं होगा इसके आजू बाजू में जो पिक्सेल्स हैं ये भी सबके सब वाइट होंगे अगर सबके सब वाइट हुए तो ये बीच वाला पिक्सेल अंदर है एरिया के यहां पे जाएं आप यहां पे भी यही हाल होगा यहां पे भी यही हाल होगा अब सोचिए आप बाउंड्री पे चले गए तो यहां पे आपको ऐसा पिक्सेल मिलेगा जिसके आजू बाजू में कुछ पिक्सेल वाइट है लेकिन कुछ वाइट नहीं है अगर कोई भी ऐसा पिक्सेल मिला जिसके नेबर में एक भी नॉन वाइट पिक्सेल है तो इसका मतलब वो बॉर्डर पे कहीं तो भी कहाँ है नहीं मालूम ये कोई भी शेप ले लीजिए आप इसको सोच लीजिए कि कुछ ऐसा शेप अभी ये पिक्सेल लीजिए आप यहां पे ये वाइट है और इसके चारों तरफ जो पिक्सेल्स है और ये तीन इसमें से खाली ये पिक्सेल वाइट है लेकिन बाकी सब वाइट नहीं है दूसरा कोई ऐसा वाला पिक्सेल ले लीजिए यहाँ पे पिक्सेल है तो इसके ऊपर जो पिक्सेल है यहाँ पे जो पिक्सेल है यहाँ पे जो पिक्सेल है यहाँ पे जो पिक्सेल है यहाँ जो पिक्सेल है ये सब वाइट है लेकिन ये दोनों जो हैं ये तीन ये वाइट नहीं है कोई भी आप बॉर्डर पे देख लीजिए पिक्सेल कोई भी बॉर्डर पे जो पिक्सेल एलिमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं उसका नेबर काले रंग का होगा बाकी कितने भी सफ़ेद हों अब किसी भी पिक्सेल के इस इमेज में नेबर कितने होते हैं किसी भी पिक्सेल पे कितने नेबर होंगे जाहिर है आठ नेबर्स होंगे ये बड़ा इमेज है इसमें मैं छोटा सा एक 3x3 ऐसे निकालता हूं ये एक विंडो है 3x3 मान लीजिए आप ये पिक्सेल देख रहे हैं इसको नाम देंगे हम आई कॉमा जे पिक्सेल कोई भी आई जे कुछ भी हो सकता है अब इस आई कॉमा जे पिक्सेल के कितने नेबर्स हैं ये एक नेबर है ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा छठा सातवां और आठवां आठ नेबर हुए क्या हर पिक्सेल के आठ नेबर होंगे गड़बड़ है हर पिक्सेल के आठ नेबर नहीं हो सकते
क्योंकि रिक्टेंगुलर एरिया है तो जाहिर है कि उसका एज होगा कहीं तो भी। अब एज पे जो पिक्सल है यहाँ पे, अब ये पिक्सल देखिए आप, इसके तो बेचारे के 8 नेबर नहीं है, इसके कितने नेबर है? ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। कितने हुए भाई? 5 ही हुए, बाकी के 3 कहाँ गए? है ही नहीं हमारे पास इमेज। तो एज में जो भी पिक्सल होंगे उनके 8 नेबर नहीं होंगे, उनके अक्सर 5 नेबर होंगे इस तरह से, क्योंकि इस एज पे कोई भी आप पिक्सल ले लें तो ऐसे ही होगा। एक्सेप्ट एक और एक्सेप्शन, क्या? कॉर्नर वाला, वो भला आदमी जो है उसको तो बेचारे को नेबर ही नहीं है ज़्यादा। इसका एक नेबर यहाँ होगा, एक नेबर यहाँ होगा और ये खुद होगा, तो 1, 2 और 3 नेबर होगा। देखिए कैसे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, दैट यू हैव ए फुल इमेज। नॉर्मली एवरी पिक्सल हैज 8 नेबर्स, समटाइम्स अ पिक्सल हैज 5 नेबर्स, समटाइम्स द पिक्सल हैज 3 नेबर्स, बट इट इज गारंटीड दैट एवरी पिक्सल इन द रिक्टेंगुलर एरिया विल फॉल इन दिस। इफ द एरिया इटसेल्फ वाज नॉट रिक्टेंगुलर देयर विल बी ग्रेटर फन। अब जब भी ऐसे बड़े एरिया का फोटोग्राफ लिया जाता है तो ये एक तरीका होता है, तरीका फोटो निकालने का, तरीका सेटेलाइट का इमेज, कौन सा इमेज आपको देखना, उसमें ऐसा नॉर्मली करते हैं कि जो एरिया आपको देखना है वो जनरली पिक्चर के बीचों बीच आ जाए। इसका मतलब आपको एज के जो पिक्सल्स हैं आप उनको निग्लेक्ट कर सकते। द अदर वे इज राइट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम टू एग्जामिन द नेबर ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल। सो वो अगर कॉर्नर पे है तो उसके 3 नेबर देखिए, अगर रो में है या अपने बॉर्डर पे है किसी भी, 5 नेबर देखिए, और कहीं है तो 8 नेबर देखिए। और नेबर देख के आप क्या कहने वाले हैं, हर नेबर को इवैल्यूएट करेंगे भाई नेबर वाइट है कि नहीं है। अगर नेबर वाइट नहीं है तो क्या मतलब हो गया, वो बाउंड्री पे है इस एरिया के। और अगर नेबर सब वाइट है तो वो अंदर है, अगर कोई भी वाइट नहीं है तो बाहर है, लेकिन एक भी वाइट हुआ तो वो उसके अंदर। अच्छा, अब एक और तरीका जो काउंट करने का है वो ये हो सकता है कि मैं ऐसे पिक्सेल जो हैं बाउंड्री पे काउंट करूं तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर यानी द टोटल लेंथ ऑफ दैट लेक अराउंड इट। सपोज आई वांट यू टू कैलकुलेट पेरीमीटर, फॉरगेट द एरिया, हाउ विल यू राइट अ प्रोग्राम? यू हैव टू गिव मी ए काउंट ऑफ ऑल पिक्सेल्स विच आर ऑन द बाउंड्री, गेट द पॉइंट? यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने वाइट पिक्सल, अब हमें काउंट करना है खाली कितने बाउंड्री पे है। कैसे करेंगे बोलिए?